दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हम बिहारी लोगों को घिन भावना से गंदी नजर से देखते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? खासकर दिल्ली वालों को यही बोलना चाहेंगे एक बार बिहार आके घूम ले, उसके बाद पता चल जाएगा कि बिहार कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। यही उन लोगों की सोच, देखिए ये भी नहीं है कि हर लोग एक ही जगह एक ही जैसा सोचता है, हर लोग का अलग अलग सोचने का तरीका होता है, इसलिए जो समझते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, और जो नहीं समझते हैं वो गाली के टाइप पे यूज करते हैं बिहारी शब्द को, लेकिन बहुत आगे है क्योंकि ऐसा समझते हैं हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग बस लुंगी और गंजी और धोती में ही हम लोग पूरा जिंदगी काट देते हैं, ऐसा क्या हम लोग ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनते हैं? पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। साला खुद जाकर चांदनी चौक से फुटपाथ पे से कपड़ा पहन के किनता है, नहीं तो बहन चो आके अभी भी देख ले कौन ब्रांड के बिहारी पहनता है, बहन चो बढ़िया से देख ले आकर, समझ गया ना? इसलिए बोलते हैं बिहारी से पंगा मत ले, नहीं तो भाई तो जानता है इतिहास गवाह है। बिहार में लोग बोलता है ये धोती कुर्ता ये वो पहनते, लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार में ज्यादा ब्रांडेड लोग कपड़े यूज करते हैं। दिल्ली में जाइए कई तरह ऐसे मार्केट है जहाँ पे ब्रांड का कॉपी करके बेचते हैं एकदम सस्ते सस्ते दाम में, लोग वो पहन के घूमते हैं और समझते हैं कि ये लोग देखेगा तो ब्रांड बोलेगा, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में अगर ब्रांड पहनते हैं तो ब्रांड ही पहनते हैं, या फिर जो ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता है वो लोकल ही पहनते हैं, लेकिन अपना जो है वही पहनते, दिखावे की चीज में नहीं रहते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग भात खाते हैं चावल खाते हैं तो हम लोग गंदा है, ऐसा हम लोग को बिहेव हम लोग के साथ करते हैं, जैसे कि एकदम गाली देते हैं हम लोग को, ऐसा ए हटवे बिहारी है तू, ऐसा क्यों? ऐसा बोलता है, कहने का मतलब वो लोग कहने का मतलब डेली लगता है ना कि अंबानी का बेटा है कि बिल गेट्स के बेटा है, बहन की बहन जो डेली के डेली बहन जो पिज्जा खाता है कि बर्गर खाता है कि रोज रेस्टोरेंट में जाकर खाता है, बहन जो वो मतलब वो लोग भी सोचता होगा कि बिहारी चावल खाता है, अरे बहन जो तुम्हें तो एक बार लड़ के देख ले हम किस में कितना है दम। अच्छा भैया सोचे भाई, तो हम लोग किसान के ही खानदान से आते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो फिर बेसिक ये चावल बोलो भात बोलो सब तो वहीं से आ रहे हैं, इसका मतलब उसका अनादर करके आप भारत के किसान का अनादर कर रहे हैं। अच्छा वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग पान खाते हैं। अच्छा हम लोग ऐसा लुक हम लोग बिहारी है तो बस हम लोग लुंगी या गंजी या धोती में ही रहते हैं, क्या ऐसा क्या है मेंटेलिटी उन लोग को कहे हुए है? फिर तो ये चैनल जो भी देख रहे हैं और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं हमारी शक्ल देख लें, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम खराब दिखते हैं या हमारी पर्सनैलिटी खराब है। चावल खाओ रोटी खाओ क्या फर्क पड़ता है, आप भी तो कुछ ना कुछ खाते होंगे, और ये बिल्कुल तो चावल खाते हैं, वो चावल छोड़ के क्या खाते हैं, उसको फ्राई कर दो आप फ्राइड राइस बोल दो वो अलग बात हो गई। उनकी जो प्रॉब्लम है वो मानसिकता उनकी जो है ना शुरू से ही की ये मतलब उनकी गलत भावना शुरू से ही हो चुकी है ना कि ये बिहारी ऐसे होते ऐसे नहीं होते, आप इतिहास उठाकर देखिएगा बिहार का तब आपको समझ में आता है कि बिहारी कैसे होते हैं। अच्छा उन लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग बिहारी हैं तो बस भोजपुरी ही गाना सुनते हैं, हम लोग बस निहुआ को ही जानते हैं और पवन सिंह को ही जानते हैं, क्या हम लोग सलमान खान को नहीं जानते हैं, हम लोग डेनो मोरिया को नहीं जानते हैं, हम लोग टॉम क्रूज को हॉलीवुड के एक्टर्स को नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग इंग्लिश गाना गाते नहीं है क्या? सुना बोलो तो सुना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं और सब लैंग्वेज का गाना सुनते हैं और सभी कल्चर को हम लोग सभी लोगों को हम देखे बताते हैं, जो मजा भोजपुरी गाना सुनने में है ना वो साला हमको कोई अच्छे नहीं लगता, कोई क्या कोई भी सुन के देख ले एक बार, हाँ सबको लगेगा कि गलत गाना है लेकिन उसका अर्थ बन कोई जानता तो है नहीं पहले अच्छा से, पहले एक बार उसको अगर गलत गाना रहता तो पूरे इंडिया में सुना जाता, पूरे इंडिया में हर एक जगह हर एक स्टेट में सुना जाता है। अच्छा अच्छा बॉलीवुड का स्टार जैसे सलमान खान भी पवन सिंह का गाना सुनता है, अभी भी भोजपुरी पूरा वर्ल्ड फेमस है गाना लॉलीपॉप, गाना लॉलीपॉप अमेरिका तक अमेरिका के डिस्को में बसता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बिहारी उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। बिहारी में क्या क्वालिटी है हर फील्ड में, बिहारी एक बिहारी बंदे के अंदर कितने क्वालिटी है एक बार देखे तो कभी आमना सामना होगा उनका तब पता चलेगा कि बिहारी में क्या है, कभी सामना हुआ नहीं ना, हाँ कभी हुआ नहीं है, बस वो लोग अफवाह जो सुने हुए हैं वही बोलते हैं, एक बार देखे तब उनको पता चलेगा कि बिहारी है क्या चीज। वो दिल्ली वाला बोलता है वो तो साला कचरे ही नहीं रहता, सांस लेने का उसके पास जगह है, सारा बीमारी तो वहीं पे होता है, साला अच्छा पानी पीने के लिए मिलता है उसको एकदम गंदा गंदा पूरा। अरे हम गर्व से कहते हैं हम गंगा के किनारे रहते हैं। एक दो लाइन लॉलीपॉप मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए।
देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे।